नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आप लोगों का गेमिंग वाईजी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे WCC3 के एक फीचर का जो हम लोगों को WCC3 में मिलने वाला है, और इस बात की जानकारी खुद नेक्स्ट वेव मल्टीमीडिया के CEO मिस्टर राजेंद्रन PR ने हम लोगों को दी थी। तो दोस्तों उस फीचर का नाम है एडवांस AI। बहुत ही कम वीडियो आप लोगों को इस फीचर के ऊपर बनी मिलेंगी, लेकिन दोस्तों अपना बैकग्राउंड टेक्निकल से ही है तो मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि एडवांस AI क्या होता है। इसको पूरी तरह से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। लेकिन उससे पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली नई वीडियो जानकारी सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोगों को AI का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। AI की फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता। दोस्तों अब मैं आप लोगों को इसके बारे में डिटेल में बताता हूं। दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनों या फिर कंप्यूटर में मानव बुद्धि जैसे गुण उत्पन्न किए जाते हैं, यानी कि मशीन या फिर किसी कंप्यूटर में मानव के दिमाग में जो बुद्धि होती है वैसे कुछ टेक्नोलॉजी के जरिए कोडिंग वगैरह फीड कर देना जिससे वो मनुष्य द्वारा की गई बात को समझ सके और उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया कर सके। जैसे हम एग्जाम्पल लें तो AI का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गूगल होम, जो हमारी दी गई कमांड का पालन करता है। जैसे हम बोलते हैं कि घर की लाइट ऑन कर दे तो वो अब उस बात को समझता है और घर की लाइट को ऑन कर देता है। आप लोगों को बता दूं दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसका बड़े लेवल पर प्रयोग किया जाता है, यानी देसी भाषा में कहें तो कार बनाने वाली फैक्ट्रियों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा लेवल पर किया जाता है। वहाँ पर बहुत सारी रोबोटिक आर्म्स होती हैं जो गाड़ियों को असेंबल या फिर वेल्डिंग वगैरह के काम में यूज की जाती हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं इसमें भी थोड़ी बहुत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है। उदाहरण के तौर पर हमारा जो ब्राइटनेस का लेवल होता है उसको ऑटो कर लेते हैं तो वो रोशनी के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा होता रहता है। ये भी एक AI का ही हिस्सा है। यदि दोस्तों सीधी तरह से कहें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए मशीन या फिर कंप्यूटर में इंसानों जैसी बुद्धि उत्पन्न की जाती है और इसके बाद जो कंप्यूटर या मशीन होती है वो इंसानों की तरह सोच सकते हैं, हमारी बातों को कैप्चर कर सकते हैं, उस पर प्रतिक्रिया हम लोगों को दे सकते हैं। यानी कि टोटल मिलाकर कहा जाए तो मशीन इंसानों वाला काम करती है और ज़्यादा स्पीड में करती है और जिसमें एक्यूरेसी के चांस भी ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन। दोस्तों AI का सबसे बड़ा उदाहरण रोबोट है जो इंसान की तरह सोच भी सकता है और काम भी कर सकता है। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि WCC3 जैसे गेम में एडवांस AI का क्या इस्तेमाल हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों ने WCC2 या फिर किसी भी मोबाइल क्रिकेट गेम में एक बात का नोटिस जरूर किया होगा कि कई बार किसी बॉल पर चौका या छक्का लगता है लेकिन कमेंट्री में और ही कुछ बताया जाता है। तो ऐसे कुछ कमियों को दूर करने के लिए एडवांस AI का इस्तेमाल इसमें किया जा रहा है, यानी कि जब चौका या छक्का लगे तो गेम अपनी बुद्धि से सोच सके कि कंडीशन क्या है, चौके की है या फिर छक्के की है, ना कि आउट की है। अब कई बार क्या होता है कि चौका या छक्का लगता है और कमेंट्री में कहा जाता है कि बल्लेबाज आउट हो गया, तो इसी कमी को दूर करने के लिए WCC3 में एडवांस AI का इस्तेमाल किया गया है। यानी कि गेम में थोड़ी बहुत बुद्धि डाली गई है जिससे वो कंडीशन को समझ सके और उसका एजुकेशन हम लोगों को दे सके, यानी कि उसका आउटपुट हम लोगों को दे सके। और दोस्तों हम मानकर चल सकते हैं कि WCC3 में AI टेक्नोलॉजी का हम लोगों को एक शानदार प्रभाव देखने को मिलेगा। दोस्तों WCC3 में फिलहाल क्या होता है, जब हम गेम खेल रहे होते हैं तो कई बार अंपायर गलत डिसीजन दे देता है, कई बार वो आउट बैट्समैन को नॉट आउट दे देता है तो कई बार नॉट आउट बैट्समैन को आउट करार दे देता है। लेकिन WCC3 में जैसा कि AI टेक्नोलॉजी मिलने वाली है तो इसमें जो अंपायर के डिसीजन होंगे उसमें 95% एक्यूरेसी की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि यार गेम के पास भी तो अब बुद्धि है, दिमाग है और वो सोच समझ कर ही अपने फैसले देगा। इसके अलावा दोस्तों जब कोई बैट्समैन रन लेने के लिए दौड़ रहा है और फील्डर को लग रहा है कि रन आउट होने के चांसेस हैं तो वो थ्रो की स्पीड भी हम लोगों को WCC3 में ज्यादा देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ड्यू टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी AI। यानी कि टोटल मिलाकर कहा जाए तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का एक शानदार इस्तेमाल WCC3 में हो सकता है और जिससे हम लोगों को गेम में बहुत ही शानदार इफेक्ट देखने को मिलेगा और गेम काफी मजेदार होगा।
तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ी बहुत समझ जरूर आई होगी, क्योंकि यूट्यूब पर आप लोगों को WCC3 में ये फीचर मिलने वाला है। इस बात की तो जानकारी बहुत सारे यूट्यूबर ने दी है, लेकिन इस फीचर के बारे में डिटेल में वीडियो आप लोगों को किसी ने नहीं दी थी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी AI टेक्नोलॉजी के बारे में समझ सकें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे जाकर लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबाएं और ऑल पर क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को हमारी आने वाली नई वीडियो की जानकारी मिल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय, जय हिंद।